हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 7 आलू लिया है, जो कि हमारा वेट में लगभग 300 ग्राम के आसपास है। इसे हम एक बाउल में डालेंगे और इसके लिए सामग्री जो हमने लिया है वो है 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक में हमने काला नमक का प्रयोग किया है फ्रेंड्स। इन सब को हम बॉल में डालेंगे जिसमें हमने आलू रखा था, और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है फ्रेंड्स, सिंपल और आसान तरीके से, और खाने में बहुत ही क्रंची होता है। तो इन सब को मैश करेंगे। और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसे 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे डो को, जो हमारा डो तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसे 5 से 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे ढक के इसी तरह से। अब हम इसके अपने हिसाब से गोले तैयार करेंगे, जो टिक्की का जो साइज होगा। तो हमने मीडियम साइज का रखा है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसका साइज। तो हमने बारी बारी से करके रख दिया है। अब हम इसे हथेली पे घुमाते हुए प्रेस करके कुछ इस प्रकार का शेप देंगे। इसको आप साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। हमने मीडियम साइज कैसे रखा है। तो हमने सारे टिक्की को तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमने कढ़ाई लिया है, उसमें तेल डाला है। अब हम बारी बारी से टिक्की को डालेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पे पकाने से ऊपर ऊपर जल जाएगा, नीचे हमारी कच्ची रह जाएगी टिक्की। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। और हम इसे बारी बारी से इसे पलटेंगे। ये देखिए हमारा किस तरह से पक चुका है और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है देखिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। ये 10 से 15 मिनट में रेसिपी बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम इसे निकाल लेंगे। बारी बारी से हम इसी प्रोसेस से आगे भी इसे तलेंगे। आप चाहे तो इसे तवा पे भी तल सकते हैं, या तो तवा पे हल्का फ्राई भी कर सकते हैं कम तेल के सहारे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे तेल में डुबो के ही फ्राई करें, कम तेल में भी तवा पे भी इसे सेक सकते हैं। तो हमारा आलू टिक्की बन के तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसे आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स।
अब हम इस पे थोड़ी सी सॉस डालेंगे, ये टमाटो सॉस है। आप चाहे तो इसे धनिया की चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू टिक्की बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालने से फ्रेंड्स ये ऊपर से क्रंची बनता है और अंदर से सॉफ्ट। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स? अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।